छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए हम लोग जगन्नाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो जाएगा। अब सामने मुझे जगन्नाथ मंदिर दिख रहा है, मैं आपको यहाँ की गलियों से दिखाता हूँ जगन्नाथ मंदिर का एक झलक। ये आपको सामने में, अभी इसमें कैमरा जूम नहीं कर सकता तो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, ये सामने बिल्कुल बीच में जगन्नाथ मंदिर का वो भव्य इमारत मंदिर दिख रहा है। यहाँ पे मिठाई की दुकान काफ़ी सारी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से मिठाई खरीद सकते हैं। आसपास आपको खाजा का मिठाई का दुकान दिख जाएगा इस साइड, देखिए। जाते समय मैं लूँगा यहाँ से, अभी तो पहले मैं मंदिर दर्शन कर आता हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम जिसमें कि बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, उनमें से आज हम जगन्नाथ भगवान जो कि पुरी में स्थित है उनकी यात्रा करेंगे। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ इस मंदिर में उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का मूर्ति है। तो चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इसको गंगा डायनेस्टी के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था, जिसको बनने में लगभग 400 साल लग गया। इसकी शुरुआत 8वीं सदी में हुई और यह बनकर 12वीं सदी तक कंप्लीट हो गई। जब मुगलों का शासन भारत में आया तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर को बंद किया जाए, नहीं तो इस मंदिर को वह तोड़ देंगे। ऐसी कई सारी बातें इस मंदिर के बारे में कही गई है, कुछ रोचक तथ्य भी हैं जिसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मंदिर के ऊपर ध्वज जो आपको दिख रहा होगा वह हवा के विपरीत दिशा में फहरता है और हर एक दिन इस ध्वज को शाम में लगभग 4 या 5 बजे के आसपास बदला जाता है। इसके ठीक नीचे आपको सुदर्शन चक्र दिख रहा होगा, जिसके बारे में एक बहुत ही अनोखी चीज है। इस चक्र को आप किसी भी एंगल से खड़ा होकर के आप देखिएगा तो वह चक्र आपको उसी एंगल में दिखेगा, मतलब कि आपके तरफ ही यह चक्र दिखता हुआ प्रतीत होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज, इस मंदिर के ऊपर कोई भी ऐसी पक्षी या प्लेन क्रॉस नहीं करती है, जबकि यह नो फ्लाई जोन नहीं है, लेकिन आपको इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या प्लेन इससे गुजरती हुई आपको नहीं दिखेगी। अब इसके मंदिर के अंदर की बात करें तो मंदिर के अंदर में जो मूर्तियां बनी हुई है वो लकड़ी की मूर्ति बनी होती है और इस मूर्ति को हरेक 12 साल में बदला जाता है। कहते हैं कि मूर्ति को बदलते समय पूरे शहर के लाइट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मूर्ति के बदलने समय कुछ एक ऐसी तरल पदार्थ होती है जिसे पुरानी मूर्ति से निकाल करके नई मूर्ति में स्थानांतर किया जाता है। और इस तरल पदार्थ को जो मंदिर के सबसे पुराने पुजारी होते हैं वह इस पूरे कार्यविधि को संपन्न करते हैं और वह ग्लव्स, हाथों में ग्लव्स या दस्ताने लगा करके इस पूरे कार्य प्रणाली को संपन्न करते हैं। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर जो आपको प्रसाद मिलेगा वह चावल का बना होता है एवं मिट्टी के बर्तन में यह प्रसाद को बनाया जाता है। इससे जुड़ी भी एक रोचक तथ्य यह है कि मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसे घड़ा कहते हैं, 3-5 लेयर में यह घड़ा होता है तो और नीचे से आग लगती है, तो इस अनुसार सबसे पहले नीचे का खाना पकना चाहिए। बल्कि इसके रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है, आप इधर सामने अगर दिख रहे होगा तो मैं थोड़ा सा भीड़ से दूर हूँ, इधर सामने आपको दिख रहा होगा काफ़ी भीड़ है और जो आप वीडियो में जो आप फोटो में देखते होंगे रथ यात्रा को निकलते हुए वह यही रास्ता से रथ यात्रा निकलता है और उस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ कहें या फिर श्री कृष्ण कहें या विष्णु के अवतार कहें वो और उनके बड़े भ्राता बलभद्र और उनकी भगनी सुभद्रा तीनों ही अलग अलग अभी 1 तारीख को यहाँ से वो निकल चुकी है और 12 तारीख के आसपास अगर मैं सही हूँ तो वो वापस आएंगी। और अगर आपको कुछ जानकारी है इस रथ यात्रा के बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में, तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
अभी आपको मैं एक इस मार्केट की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं ये सारे गैजेट्स जमा करके अंदर की ओर दर्शन करने को जाऊँगा भगवान श्री कृष्ण का। उससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ का मार्केट दिखा देता हूँ। इधर आपको शू मोबाइल सारा स्टैंड आपको मिल जाएगा सबमिट होने के लिए। इस तरफ आपको मैं दूर से एक बार दिखा दे रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को। और एक दो मिथ है या फिर उसके ऊपर साइंटिफिक जो भी कहें रिसर्च हुआ है कि इसके ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ती है, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ती है, ना ही इसके ऊपर से कोई एरोप्लेन क्रॉस करता है। अब उसके पीछे जो भी कारण रहा होगा, साइंटिस्ट कहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड के कारण पक्षी ऊपर नहीं उड़ सकती है, खैर उन कारणों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो यहाँ के लोग बताते हैं, जो नेट पे उपलब्ध जानकारी है, उस जानकारी में ऐसा ही बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग एक थोड़ा सा मार्केट आपको दिखा देते हैं। इस तरफ का मार्केट आप दिख रहा होगा जहाँ अलग अलग हैंडक्राफ्ट्स, इम्पोरियम्स, हैंडलूम्स आदि का मार्केट है। अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। एक बार मैं नज़दीक से आप सबको दिखा देता हूँ इन सारे चीज़ों को। यहाँ पे भी कुछ मार्केट टाइप का सामान उपलब्ध है जहाँ आप देख सकते हैं रुद्राक्ष वगैरह यहाँ अवेलेबल है, भगवान जगन्नाथ का फोटो। इधर ओडिशा हैंडलूम्स आप देख सकते हैं, इधर मार्केट है। अगर मैं तो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ खरीदने के लिए, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ भगवान जगन्नाथ का लेके जाऊँगा, तो अगर आप लेना चाहें तो आकर के इधर ले सकते हैं। कपड़ा वगैरह का दुकान है, जेंट्स का, लेडीज़ का खाजा जो कि मैं लेके जाऊँगा। इसी तरह का मार्केट आपको दिखेगा यहाँ पे। मेरे दाएं तरफ मार्केट है और बाएं तरफ कुछ रुद्राक्ष वगैरह माला का बेच रहे हैं, और मैं सामने ज़्यादा देख रहा हूँ, कैमरे में कम देख रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये कि एक तो रश काफ़ी है और काफ़ी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, तो टक्कर ना हो जाए या फिर किसी को चोट ना लग जाए मेरे से, तो मैं ज़्यादातर सामने देख रहा हूँ। अभी इस तरह का मार्केट है, तो आप सोचिए जब जगन्नाथ भगवान का यात्रा निकलता है तो किस तरह का जैन सैलाब उमड़ा रहता है पूरे रोड पे। जब मैं छोटी कठिन रास्तों से गुजर रहा था तो मैं सोच रहा था कि वो जो रास्ता है वो कहाँ दिखता है, जहाँ पे इतने सारे लोग तीनों रथ को खींचते हैं, फिर खींच करके उसे ले जाते हैं, फिर वापस 10-12 दिन में लौट करके आते हैं, तो ये रास्ता वही है। देख सकते हैं कितना ब्रॉड, कितना चौड़ा यह रास्ता है, और तीनों रथ पे श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी भगनी विराजमान होकर के गुजरते हैं। चलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, 6:30-7:15 हो गया है, आधा एक घंटा में मंदिर के अंदर भी टाइम स्पेंड करूँगा, वहाँ जा कर के भगवान श्री कृष्ण के बारे में देखूँगा। और इस जगन्नाथ यात्रा को लेकर के यहाँ की प्रशासन भी काफ़ी दुरुस्त है, आप स्टेशन पे देखे होंगे वीडियो में, वहाँ पे भी पूरा तैयारी किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी आपको ट्रैफिक पुलिस वगैरह आपको दिख जाएंगे, अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस सफल यात्रा को बनाने के लिए। कोरोना के कारण 2 साल से ये पूरी रथ यात्रा बंद थी। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ से ही थे, जगदलपुर से थे, एक बस्तर से थे, तो वो सब भी अभी दर्शन करके अभी वो सब निकल गए हैं। दर्शन में हम लोग को आधा घंटा लग गया। आधा घंटा लगा। चलिए आप अपने तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप यही मैसेज दे रहे हैं, भगवान के पास हम लोग गोंचा के लिए आए थे, हम लोग जो अपना संकल्प या कुछ भी पूर्ण करके आए, मेरा मैसेज है सुशीला, मेरा सासू है, ये सबको लेके मैं यहाँ पे दर्शन करने आया था, अपना पहली बार आए इस साथ,
अपना दर्शन करके जा रहे। कोरोना के कारण दो साल से, कोरोना के समय भी हम लोग आए थे भगवान के पास। हाँ, तो उस समय रथ यात्रा नहीं निकला था, कोरोना के टाइम रथ यात्रा नहीं निकला था। दो साल के बाद अभी रथ यात्रा निकला है, तो एक तो रथ यात्रा को देखने के लिए, ऊपर से दो साल से जो बंद था उसका भी भीड़ श्रद्धालुओं को है, श्रद्धालुओं के बीच एक